नमस्कार, मैं श्वेता आपका लुक स्मार्ट में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। T20I में भारत या अफगानिस्तान, किस भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मुकाबला मोहाली में IAS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस ग्राउंड पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है। पिच में अच्छा उछाल होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है। इसके साथ ही इस मैदान की आउट फील्ड भी काफी तेज है, जिसके चलते गेंद को बाउंड्री के लाइन पर पहुंचाना और भी सरल हो जाता है। हालांकि पिच से तेज गेंदबाजों को भी शुरुआत में मदद मिलती है। किसका पलड़ा रहा है भारी, देखिए क्या कहते हैं हेड टू हेड के आंकड़े। भारत और अफगानिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल में एक दूसरे के खिलाफ अब तक कुल 5 बार मैदान में उतरी है। इन 5 मैचों में से 4 में जीत का स्वाद रोहित एंड कंपनी ने चखा है। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा है, यानी कि फटाफट क्रिकेट में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को अपनी जीत का अभी भी इंतजार है। T20 सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा। अफगानिस्तान की गिनती उन टीमों में की जाती है जो किसी भी मुकाबले में विपक्षी टीम को हैरान करने का दमखम रखती हैं। हाल ही में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में अफगान टीम ने यह कारनामा कई बार करके दिखाया है। हालांकि T20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की एक नहीं चलती है। रोहित की पलटन के आगे अफगानिस्तान क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में आसानी से घुटने टेक देती है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि हेड टू हेड के आंकड़े कह रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल में एक दूसरे के खिलाफ अब तक कुल 5 बार मैदान में उतरी है। इन 5 मैचों में से 4 में जीत का स्वाद रोहित एंड कंपनी ने चखा है। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा है, यानी फटाफट क्रिकेट में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को अपनी जीत का अभी भी इंतजार है। हालांकि कप्तान रोहित और टीम इंडिया इस बात को बखूबी जानते हैं कि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं आंका जा सकता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।